हेलो एवरीवन माय एवरी वन माई नेम इजोबिया बी सेकंड प्रोफेशनल स्टूडेंट फ्रॉम नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन आई होप कि ये न्यू ईयर तुम्हारे लाइफ में वो सब कुछ दे जो तुम्हें चाहिए एंड सेकेंडली थैंक यू सो मच फॉर ट्वेंटी फाइव के सब्सक्राइबर्स दिस ऑल्सो मीन्स अ लॉट टू मी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी फिर से कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर लो एंड आज का जो ये वीडियो है वो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ट्वेल्थ में जाने वाले हैं तो मुझे बताना है कि वो अपना ट्वेल्थ कैसे कवर करेंगे विथ इलेवंथ रिवाइजिंग क्योंकि ट्वेल्थ के साथ साथ इलेवेंथ भी रिवाइज करना होता है तो ऐसा नहीं है कि बस ट्वेल्थ में जाओगे तो ट्वेल्थ ही पढ़ना है इलेवेंथ का भी पढ़ना होता है तो ये वीडियो बेसिकली उसी के लिए है मैं उसके बारे में कुछ डिटेल्स में बताऊंगी सो so, वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना लेट्स बिगिन जहाँ तक मेरी बात है तो मैंने क्या किया था कि जब ट्वेल्थ स्टार्ट हुआ उस टाइम मेरा पूरा फोकस ट्वेल्थ पे चला गया था क्योंकि मैंने इलेवेंथ में बिल्कुल भी अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी तो मैं चाहती थी कि मेरा ट्वेल्थ ना बिगड़े इसके लिए मैंने क्या किया था स्टार्टिंग से ही पूरा अच्छे से ट्वेल्थ को पढ़ना शुरू कर दिया था उसके कारण क्या हुआ अच्छा भी हुआ बुरा भी हुआ अच्छा ये हुआ कि ट्वेल्थ पढ़ रहे थे तो ट्वेल्थ अच्छा जा रहा था मतलब टीचर्स समझा रहे थे तो बस समझने की कोशिश कर रहे थे इलेवेंथ कितना नहीं कैसे बैठ गया आके बस कोचिंग में बकवास करके मतलब टाइम बिता के चले गए खावा के तो अच्छे से पढ़ते थे अच्छा टाइम देते थे फ्रंट सीट पे बैठ के ट्वेल्थ में पढ़ते थे बट उसके कारण एक ड्रॉबैक भी हुआ वो ये हुआ कि ट्वेल्थ पढ़ते पढ़ते पढ़ने के चक्कर में एलेवेंथ रिवाइज ही नहीं किए और उसका जो जुर्माना है वो मुझे भुगतना पड़ा लास्ट में जब वो आने लगा बोर्ड्स आने लगा ट्वेल्थ का तो उस टाइम क्या हुआ कि उस टाइम भी तो ट्वेल्थ ही के लिए पढ़ना था तो बेसिकली एलेवंथ रिवाइज करने का तो मैंने अपने लिए कोई टाइम ही नहीं छोड़ा तो वो तुम लोग को नहीं करना है तुम लोगों को क्या करना है कि तुम लोग को स्टार्टिंग से ही दोनों तरफ फोकस रखना है बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका एलेवंथ मेरे तरह ही अच्छे से नहीं कवर हुआ है तो उन्हें तो और ज़रूरत है कि वो स्टार्टिंग से पूरा फोकस करके चलें तो उसके लिए स्ट्रैटेजी क्या बनानी है अप्रैल से अगर पढ़ मेरा तो ये कहना है कि अभी मार्च में एग्जाम ख़त्म हो जाएगा इलेवंथ का उसी टाइम से वापस से एलेवंथ रिवाइज वो जो बचा हो मार्च है उसमें भी इलेवेंथ ही रिवाइज करना ट्वेल्थ तो अप्रैल से ही पढ़ना शुरू करना तो पूरा मार्च एग्जाम के बाद इलेवंथ के इलेवेंथ ही रिवाइज करना जो एग्ज़ाम में जो जो चीज़ जो जो चैप्टर तुम्हें तो लगे कि ख़राब हो गया उन्हें वापस से रिवाइज़ करना वो एक पूरा पार्ट इलेवंथ के लिए निकाल लेना उसके बाद जब अप्रैल से स्टार्ट करोगे तो अप्रैल में हर मंथ में हर मंथ क्या तो तुम वीक एंड्स रख सकते हो या हर मंथ का कोई एक पर्टिकुलर पूरा वीक रख सकते हो वो तुम्हारे शेड्यूल के हिसाब से होना चाहिए वो स्पेशली इलेवेंथ को डेडिकेटेड होना चाहिए अभी मैं तुम नीट एस्पेरेंट्स को एक पेड कोर्स के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ जो स्पेशली नीट 2021 के एस्पेरेंट्स के लिए है जिसका नाम है रैंक अप नीट 2021 जो कि स्टार्ट होने वाला है सिक्सथ जनवरी से ऑन गो प्रेप ऐप और तुम लोग चाहो तो उसका फ्री ट्रायल भी ले सकते हो वो अभी जस्ट चल ही रहा है मतलब कंटिन्यूएशन में है मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है उसे जाके चेक कर लेना कि फ़्री ट्रायल कैसा है उसके बाद ही तुम लोग कोर्स को खरीदना या जैसा मन होगा उस कोर्स में सब सा बहुत सारे मॉक टेस्ट होंगे ट्वेंटी फोर सेवन तुम लोग का डाउट क्लियर हो जैसे हो सकता है सारे फैकल्टीज एक्सपर्ट्स होंगे तो वो तुम्हारे नीट ट्वेंटी ट्वेंटी वन क्रैक करने में तुमको हेल्प करेगा तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेस में बारे में मैं कभी कभी बताते रहती हूँ तो अगर तुमको उससे फ़ायदा होता आगे चल के तो मुझे ज़रूर बताना इन सारे कोर्सेज में से लाइव क्लासेस होते हैं डी पी होते हैं तो अल्टीमेटली स्टूडेंट को हेल्प ही करता है अगर कोई प्रॉब्लम आए तो वो भी मुझे जरूर बताना लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है अब आगे बढ़ते हैं एक मंथ में एक वीक या वीकेंड्स जरूर निकालो इलेवेंथ के लिए जैसे अप्रैल का हो गया एक मंथ लास्ट मंथ या मिडिल मंथ या सॉरी लास्ट वीक या मिड वीक या स्टार्टिंग में वी वाला कोई वीक वो पूरा इलेवेंथ को डेडिकेट कर दो मेरे हिसाब से ऐसा करना चाहिए कि स्टार्टिंग का दो वीक ट्वेल्थ पढ़ के लास्ट वाला वीक पूरा इलेवंथ एक वीक में जितना तुम्हारा रिवाइज़ हो पाए वो कर सकते हो वैसे ही वैसे ही अप्रैल के बाद मई में, में जून में जुलाई में इससे क्या होगा इलेवेंथ रिवाइज होते रहेगा और उसको भी इलेवंथ को डिवाइड कर लेना कि कौन कौन सा चैप्टर कौन कौन सा कौन कौन से मंथ में रिवाइज करना है आगे चल के तो जब टाइम आने लगता है नीट का तो कंबाइंड टेस्ट होने ही लगते हैं बट स्टार्टिंग में क्या होता है कि स्टार्टिंग में सिर्फ टेस्ट होते हैं ट्वेल्थ के ज़्यादातर तो उस टाइम भी क्या होता है स्टूडेंट सोचते हैं कि टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना है या फिर स्कूल के एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म करना है उसके लिए भी ज़्यादा फोकस ट्वेल्थ पे जाने लगता है बट याद रखना कि नीट में दोनों ही से क्वेश्चन आते हैं इनफैक्ट इलेवंथ ही से ज़्यादा आते हैं और इलेवेंथ ही का कॉन्सेप्ट लगेगा तब ट्वेल्थ का ऑर्गेनिक सही होगा ये सब चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखना तो हर मंथ का एक वीक इलेवेंथ के लिए निकालना और उस वीक को भी डिवाइड कर लेना कि किसी दिन रिविज़न कर लिया कोई चैप्टर का किसी दिन न्यूमेरिकल्स बस सॉल्व कर फिजिक्स का किसी दिन पूरा ऑर्गेनिक का कोई एक चैप्टर उठा के उसका क्योंकि तो ऑर्गेनिक का जो जीओसी होता है वो सब कुछ जो रिएक्शन होता है सब कनेक्टेड है इलेवन ट्वेल्थ तो मेरे हिसाब से इलेवन ट्वेल्थ वो मिला के ही पढ़ना ऑर्गेनिक में कोई भी चैप्टर ट्वेल्थ का पढ़ने जाओ उसके पहले थोड़ा सा बेसिक इलेवंथ का ऑर्गेनिक का रीडिंग कर ही लेना उसके बाद ट्वेल्थ का वो चैप्टर पढ़ना ऑर्गेनिक का तो उससे बहुत अच्छे से कनेक्शन हो पाता है और इन ऑर्गेनिक में भी बहुत हद तक कनेक्शन हो सकता है ब्लॉक वाले चैप्टर्स में इलेवन्थ ट्वेल्थ का तो दोनों कनेक्टेड ही हैं तो सिर्फ डेडिकेट करके ट्वेल्थ को पढ़ना चाहोगे तो नीट नहीं निकलेगा मंथ में डिवीजन करो जब आगे चल के कंबाइंड टेस्ट होगा और अगर तुम स्टार्टिंग से उस हिसाब से मंथ वाइज रीडिंग करते रहोगे इलेवंथ में तो कंबाइंड टेस्ट में तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी तुम्हारा अच्छे से सॉल्व होगा ये सब मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ जो कि मुझे बाद में फेस करना पड़ा था क्योंकि मैंने ये सब कुछ नहीं किया है तो मैंने अपने बैचमेट्स को देखा था कि वो कैसे दोनों को लेकर चलते थे और वो कैसे दोनों को एक साथ समेट कर एकदम कंबाइंड करके नीट अपियरिंग में निकाले थे तो उस उन सबसे सीख कर मैं तुम लोग को बता रही हूँ मेरा ये खुद का नॉलेज नहीं है मेरा खुद का ट्वेल्थ में एलिन्थ मैनेज नहीं हो पाया था क्योंकि मैंने स्ट्रैटेजी सही नहीं बनाई थी तो सही स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर मंथ में इलेवंथ एकदम नहीं हुआ है तुम्हारा अभी एकदम नहीं हुआ तो ये भी नहीं करना कि सिर्फ इलेवंथ पढ़ने लगे ट्वेल्थ ही भूल गए दोनों को ज़्यादा दोनों को टाइम देना है बट ज़्यादा टाइम ट्वेल्थ को देना है ऑफकोर्स क्योंकि वो पहली बार पढ़ोगे तो वही मैं बोल रही थी जैसे कि दो वीक ट्वेल्थ को एक वीक इलेवंथ को देना बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के लिए इतना करो बाद में और देखते क्या होता है थैंक यू एन ऑल बेस्ट